हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे है एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैंने जन्माष्टमी के लिए कुछ स्पेशल व्लॉग या कुछ नहीं बनाया क्योंकि हम लोग कभी जन्माष्टमी करते ही नहीं हैं। हम लोग के फैमिली में ऐसा बहुत सारे फैमिलीज में रहते हैं, कभी जन्माष्टमी को लेके कुछ ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं होता था, तो मुझे पता भी नहीं है। एंड आई फील सो मोस्ट ऑफ द घर में बंगाली घर में जो लोग गोपाल रखते हैं वो लोग जन्माष्टमी अच्छी तरीके से भोग वोग देते, पर मेरे पास तो गोपाल है नहीं। बट एनी हाउ, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड आज अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा लेट ही हो गया है, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि संडे है एंड टाइम हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी 10। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी एंड संडे ब्रेकफास्ट है तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू मेक स्पेशल ब्रेकफास्ट इन संडे, कमेंट पे ज़रूर बताना। ऐसे मोस्ट ऑफ द संडेज हम लोग सैटरडे वेज खाते हैं, तो संडे हम लोग शुरुआत ही करते हैं नॉनवेज से, यानी अंडा से। तो कभी हम लोग ब्रेड ऑमलेट ऐसा खाते हैं, नहीं तो कभी मैं सैंडविच बनाती हूँ। पर बहुत दिनों से मैंने लूची नहीं बनाया है, तो कल मैं अपने हबी को बोल रही थी कि बहुत दिन हो गया मैंने लूची नहीं बनाया है। एंड बंगाली हाउसेस में लूची इज़ ए बहुत ही कॉमन एक ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे मोस्टली आई थिंक संडेज में बनता है। तो मैं लूची बनाने जा रही हूँ, तो चलिए लेट्स गो इन टू माई किचन। एंड मैं कुछ लेके आती हूँ टू सेट माई कैमरा, नहीं तो मुझे हाथ पे ऐसा रख रख के बात करना पड़ेगा। और लूची पूरा मैदा से बनता है, जैसे कि पूरी आटा से बनता है। और लूची में हम लोग कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऐड नहीं करते हैं आटा और मैदा का। ऐसा तो बोलते हैं मैदा खाना अच्छा नहीं है, बट चलो वंस इन ए वाइल्ड दैट्स फाइन। बहुत दिनों के बाद मैं लूची बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है लास्ट मैंने कब बनाया था। लूची बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एंड उसमें फर्स्ट मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ एंड सॉल्ट एंड थोड़ा शुगर। एंड फिर हम लोग एक मोयाम बनाना है, जैसे कि पराठा जब हम लोग बनाते हैं तभी भी मोयाम बनाते हैं, पर लूची में हम लोग थोड़ा शुगर ऐड करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मोयाम अच्छी तरीके से हो गया है। जब आप ऐसे सबको हाथ में लेंगे और ऐसे एक बॉल की तरह होगा, इसका मतलब द मोयाम इज परफेक्ट। तो डो बनाने के लिए मैं हर वक्त गुनगुना पानी यूज करती हूँ क्योंकि हम लोग का यहाँ का ठंडा पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है। तो मैंने देखा है कि गुनगुना पानी से अगर आप डो बनाए ना तो लूची बहुत ही सॉफ्ट होता है। इनफैक्ट मैं जब रोटी भी बनाती हूँ तभी भी मैं गुनगुना पानी से ही बनाती हूँ, यानी लूक वार्म वाटर। तो डो रेडी हो गया है, अभी हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। तो अभी मैं ऑमलेट बना लूंगी एंड मैंने सबको बोला है कि प्लीज जल्दी जल्दी उठ जाओ। एक्चुअली अभी कल से फ्राइडे से ही ना द वेदर इज गेटिंग लिटिल बिट कोल्ड, तो ऐसा जब वेदर चेंज होता है ना बहुत ज्यादा नींद आता है। मैं भी सुबह कितना लेट उठी आज, तो मैं पहले ऑमलेट बना लेती हूँ राय के लिए एंड मेरे हबी के लिए एंड मैं देखती हूँ, मैं भी ऑमलेट चलो खा ही लेती हूँ एंड उसके बाद मैं लूची बना लूंगी क्योंकि लूची गरम गरम खाने में मजा आता है। लूची अगर आप बना के रख देना तो मुझे लगता है वो टेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है जितना मजा गरम खाने में आता है। तो मैं कुछ आलू की सब्जी नहीं बना रही हूँ, सिंपल ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि मेरे हबी को बहुत पसंद है लूची एंड ऑमलेट। एंड कल मैंने रात को थोड़ा आलू भाजी बनाया था, सो वो भी है, तो आलू भाजी भी है लूची के साथ खाने के लिए। तो मुझे लगा चलो मैं ऑमलेट बना देती हूँ, इसके बाद मैं लूची करूंगी तो ईजी हो जाएगा। एंड ये बहुत ही एक सिंपल ऑमलेट है जैसे कि सबके घर में होता है, विद सम अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। पर मैं ऑमलेट में ना मैं कभी भी हल्दी नहीं देती हूँ।
ये रहा हम लोगों का संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट रूटीन ऑमलेट के साथ लूची। एंड मैं जैसे बोल रही थी, मेरे पास थोड़ा आलू भाजी है फ्रॉम यस्टरडे। एंड या एक स्वीट्स तो चाहिए अगर आप लूची खा रहे हो। समर वेकेशन में मैंने राय को बहुत कुछ सिखाया है, मैं बोल सकती हूँ मैंने बहुत कुछ होम साइंस सिखाया है। एंड मैं खा रही हूँ लूची। सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये राय ने बनाया है। क्या? अच्छा, लूची एंड नॉट पूरी, लूची एंड ये सब राय ने बनाया है। तो मेरा भी ऐसा शेप अच्छा नहीं होता है। मुझे कोई कमेंट लिख रहा था कि पायल तुम्हारा रोटी कभी भी गोल नहीं होता है। इट्स अ फैक्ट, मेरा रोटी कभी भी गोल नहीं होता है, पर मेरा रोटी अच्छा होता है। तो राय ने शेप अच्छा नहीं हुआ है, बट लाइक द स्पेशलिटी ऑफ लूची इज अच्छी तरीके से, क्या बोलू या फूलना चाहिए। तो राय बोली इट शुड बी लाइक ए बेलून, तो वो होना चाहिए, तो वो हुआ है। एंड मैं खाऊंगी अभी, एंड अभी बना रहे हैं चाय। तो चलिए लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं लंच की प्रिपेरेशन करूंगी। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12 o'clock एंड अभी मैं लंच बनाने की तैयारी करूंगी। इस वीक हम लोग बाहर नहीं जा रहे, मेरे हबी बहुत बिजी है। इस वीक एंड लास्ट वीक हम लोग बाहर गए थे, तो यू नो सम वीक्स आर गुड, जैसे घर में बैठ के अच्छी तरीके से बोलते हैं ना संडे लंच करो। सो दिस वीक इज दैट वीक जहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से घर में ही रहेंगे एंड मैं अच्छा कुछ लंच में भी बनाऊंगी। एंड राय कर रही है पढ़ाई, और दैट राय इज नॉट दैट हैप्पी, राइट? हाँ, तो राय कर रही है पढ़ाई। राय के डैडी ने दे दिया है राय को बहुत सारा कुछ करने को। स्कूल इज गोइंग टू ओपन, और तो सिर्फ हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, नॉट वन वीक ही सिर्फ लेफ्ट है, फिर स्कूल खुल जाएगा। तो चलो अगेन लेट्स गेट बैक टू स्टडीज एंड ऑल। एंड लग रहा है कि इट्स गोइंग टू रेन, पता नहीं मुझे। मैं सोच रही थी कि मैं बाहर में कुछ ग्रिल करूँगी, पर शायद इट विल रेन। एंड अभी हम लोग का बाहर आना होता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, हम लोग के घर में ना बाहर सब कुछ करने का एक्साइटमेंट मई में सबसे ज़्यादा रहता है। जून में हम लोग थोड़ा आते हैं, फिर ख़त्म। अभी बाहर कोई भी नहीं आता है। ये तो हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, इस बार बहुत कम हम लोगों ने ग्रिल यूज़ किया। तो लेट मी सी, मैं सोच रही हूँ आज कुछ बनाऊंगी इसमें, पर इफ इट्स रेन तो कैसे करके बनाऊंगी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। चलो मा, डू इट। मैं लंच के लिए मैं दही सैमन बनाऊंगी। उसके लिए सैमन को ना मैंने हल्दी और सॉल्ट से थोड़ा मैरिनेट करके रख दिया है। एंड दही सैमन है तो दही तो चाहिए, तो मैं मिक्सी में एक ब्लेंड बना लूंगी विद दही। तो यहाँ पे आई हैव अराउंड 1 cup ऑफ योगर्ट, एंड मैं दिखा देती हूँ मेरे पास सिर्फ 2 salmon है, बट द पीसेस आर क्वाइट बिग। अगर आप हाफ हाफ कर दे तो यू कैन मेक 4 pieces ऑल्सो। सो यहाँ पे मेरे पास है 1 cup ऑफ दही, एंड ये सब मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। अगर आप ब्लेंड भी ऐसा मिक्सी में भी ना दे तो भी चलेगा, पर मैंने देखा है ना सबको एक साथ मिक्सी में अगर आप मिक्स कर दे तो ज्यादा अच्छा होता है। एंड फिर अभी मेरे पास फ्राइड अनियंस है, जो इतना अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़ा दे तो मुझे लगेगा लगता है कि ठीक ही होगा। पर अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है, देन जस्ट एड एक अनियन
वन मीडियम साइज अनियन ऐड कर दीजिएगा, लाइक जो भी अनियंस आपके पास है. तो मेरे पास फ्राइड अनियंस है, सो आई विल बी एडिंग अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ फ्राइड अनियंस. एंड देन आई विल एड सम रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है. हाफ टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ जीरा पाउडर. ये सब बहुत ही लाइक ईजी हो जाता है, जस्ट एक पेस्ट बनाओ एंड देन मेक द ग्रेवी. और मैं एक हरियाली चिकन कबाब, नहीं ऐसे ही हरियाली चिकन का क्या बोलूं, सेमी ग्रेवी टाइप एक रेसिपी बनाऊंगी. तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास चिकन पीसेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लेग पीसेस है अराउंड 5. तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 1 बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड फिर मेरे पास थोड़ा ही मिंट था, लाइक मेरा घर का लास्ट मिंट है तो मैंने थोड़ा मिंट लिया है. नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, आपको कैसा चाहिए. अगर आपको मिंट यानी पुदीना अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ कोरिएंडर लीव्स एंड हाफ मिंट लीव्स ले सकते हैं. पर मुझे ना मिंट इतना पसंद नहीं है, आई डोंट नो, मुझे वो मिंट का स्मेल ना मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो मैंने बहुत ही कम, लाइक कितना मैं बोलूँ, मेरे पास शायद अराउंड 15 लीव्स था मिंट का, तो मैंने वो ही लिया है. एंड 1 बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स लिया है. फिर ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग आपको जितना तीखा खाना है, मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ. मैंने अराउंड 5 or 6 कैशूनट लिया है, उससे ग्रेवी क्योंकि मैं बना रही हूँ थोड़ा थिक होगा, खाने में अच्छा लगेगा. एंड फिर मैं हाफ नींबू का रस भी ऐड करूँगी. अगर आप चाहे तो जब आप मैरिनेट करें तब भी दे सकते हैं, फिर भी मैं इसमें दे रही हूँ. सो यहाँ पे मेरे पास अराउंड 5 पीसेस ऑफ चिकन ड्रमस्टिक है. उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक एंड हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करना है. एंड सॉल्ट टू टेस्ट मैंने पहले चिकन में ऐड कर दिया है, तो अभी आपको इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके. फिर मैं इसमें अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ. एंड फिर आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है तो मोस्टली मैं इसको मैरिनेशन टिल 1/2 आवर तक करूँगी. एंड पे मैंने ऑयल लिया है एंड फर्स्ट हम लोग सैमन को फ्राई करेंगे. अभी सैमन को हम लोगों को शैलो फ्राई करना है एंड सिर्फ आप बोल सकते हैं ओनली टिल 5 मिनट्स हम लोगों को फ्राई करना है. लाइक आप बोल सकते हैं कि फिश जो है वो दोनों तरफ से फ्राई होगा, दैट्स इट, एंड फिर हम लोग निकाल लेंगे. सो आपको ज्यादा टाइम तक इसको फ्राई नहीं करना है, लाइक फिश को बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना है. द सेम ऑयल हम लोग 4 to 5 सिनेमन स्टिक एंड 2 रेड चिली ऐड करेंगे. एंड फिर मैं इसमें अराउंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ एंड फ्लेम मैंने लो पे रखा हुआ है. तो अभी हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था वो हम लोग ऐड कर देंगे एंड गैस को आपको लो फ्लेम पे रखना है, लाइक ये बहुत ही धीरे धीरे होगा. तो अभी मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी फॉर अराउंड 5 मिनट्स. After 5 minutes आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है. लाइक आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है. तो उसी टाइम पे आपको फिश ऐड करना है एंड मैं थोड़ा ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ एंड हम लोगों को फिर थोड़ा पानी ऐड करना है. एंड फिर कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स. After 10 minutes and मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा था. Our दही सैमन इज रेडी एंड ये खाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं टेस्ट नहीं करती हूँ पर राय और मेरे हबी हर वक्त बोलते हैं. अभी हरियाली चिकन बनाते हैं. हरियाली चिकन बनाने के लिए एक पैन में मैंने अराउंड 2 tablespoons ऑफ ऑयल लिया है एंड जब ऑयल गर्म हो जाए फर्स्ट हम लोग ओनली चिकन के पीसेस ऐड करेंगे.
सो मैं अभी सिर्फ चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ एंड फिर मैं इसको थोड़ा कवर करके रख दूंगी फॉर अराउंड 5 to 10 minutes. तो अभी 10 मिनट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि चिकन थोड़ा फ्राई भी हो चुका है. तो अभी मैं इसमें रिमेनिंग जो हम लोगों का ग्रेवी है वो मैं ऐड कर दूंगी. एंड फिर मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा ग्रीन चिलीज भी ऐड करूंगी. इसको कवर करके रख दूंगी जब तक ना चिकन अच्छी तरीके से पक जाए. सो इट्स बीन अराउंड 15 मिनट्स एंड आप देख सकते हैं कि ऑयल भी निकल चुका है एंड चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है. एंड दिस कुकिंग टाइम ऑफ द चिकन टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द चिकन. तो अभी मैं कवर करके आई विल गिव इट अ स्टैंडिंग टाइम. बनाना तो खत्म, तो मैं राइस भी बिठा रही हूँ एंड इन द मीनवाइल किचन में जो काम सबसे बड़ा काम रहता है कि बर्तन धोना, तो वही मैं डिशवाशर पे बर्तन दे रही हूँ एंड जो बर्तन डिशवाशर पे नहीं होगा वो मैं हाथ से धो लूंगी. एंड यहाँ पे राई बना रही है लेमनेड, मिंट लेमनेड, लाइक मिंट थोड़ा क्रश करके लेमनेड फॉर हर डैड. आज हम लोगों ने जितना सारा मिंट था सब खत्म कर दिया. टाइम इज 3:35. बहुत ही लेट हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट इतना लेट किया था एंड किसी को खाने का भी मन नहीं कर रहा था. तो सब लोग बोल रहे थे कि चलो थोड़ा लेट खाते हैं, तो खाते खाते आज तो 4 o'clock हो ही जाएगा. कुकिंग तो मेरा कप का खत्म हो चुका था, फिर मैंने सब कुछ क्लीन विन भी किया एंड फिर मैं नहा के आ गई. तो नाउ आई विल मेक जस्ट भाजी फॉर माई हबी. This is the hilsha fish का जस्ट मैं लाइक फ्राई बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा लगता है. एंड ये लास्ट पीस है खत्म, उसके बाद आई डोंट नो कि कब हम लोग जाएंगे एंड विल गेट ऑल दिस फिश एंड ऑल. तो मेरा अभी डिशवॉशर भी चल रहा है. एंड ये है इल्शा माच भाजा विथ ऑयल एंड ग्रीन चिली. अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:50 और अभी हम लोग लंच करेंगे. पर चलो संडे है, वी कैन हैव लेट लंच. सो अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock एंड लंच तो तभी हम लोगों ने खा लिया था, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर. जैसे राय बोल रही थी कि उसको दही सैमन खाना है, वो फ्राइडे से बोल रही थी, फिर उसने इतना खाया. मैंने चिकन से थोड़ा राइस खाया, देन मेरे हबी ने कुछ भी नहीं खाया, ही जस्ट एट विथ हिज फेवरेट फिश फ्राई जो मैंने बनाया था विथ द ऑयल. एंड या अभी तो 1 more week एंड फिर स्कूल स्टार्ट होने वाला है. तो फॉर द लंच बॉक्स, यू नो जब हम लोग सैंडविच देते हैं, कभी हम लोग प्लास्टिक रैप से उसको फोल्ड करके देते हैं, नहीं तो कभी एल्यूमिनियम फॉयल से फोल्ड करके देते हैं. तो फ्रॉम माई लोकल ग्रॉसरी स्टोर ना आई गॉट दिस वन बी रैप. इसके अंदर में अभी मैंने बाहर कर लिया, आई विल शो यू. दिस इज तो दिस इज रीयूजेबल एंड ये मैंने सिंगल पीस का खरीदा है. Like this is made out of organic cloth. यहाँ पे I'll show you all. अगर आए तो yeah. तो मुझे लगा कि मैं एक खरीद के देखती हूँ कैसा है. It seems आप इससे like sandwich, फिर you know vegetable और we can wrap cheese हम लोग सब कर सकते हैं. तो जब राय का स्कूल ओपन होगा आई विल यूज इट एंड
फिर मैं देखती हूँ कैसा है. बट दिस इज गुड यू नो, इंस्टेड ऑफ गिविंग फोल्ड, लाइक हम लोग जैसा फोल्ड करते हैं प्लास्टिक से नहीं तो एल्यूमिनियम फॉयल से, उससे मुझे ये अच्छा लगा. ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक खरीदा है. एंड मैंने राय को लाइक मैंने राय को बोला है, देखो राय व्हेन आई गिव यू इन दिस वन ना, फेक मत देना, ये घर पे लाना है. बिकॉज यू कैन अगेन वॉश इट एंड यूज इट, पर वही देखना है दैट फॉर कितना लंबे टाइम के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. आई थिंक सो ये एक, दिस वन वॉज अराउंड $6, तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है मैं बोलूँगी. मुझे लगता है इसमें कितना आएगा, एक सैंडविच ही आएगा. तो अभी हम लोग लाइक देयर इज़ आइसक्रीम शॉप, क्या उसका नाम है, ब्लू पिग बोल के, वो बहुत ही अच्छा आइसक्रीम शॉप है. वहाँ पे आइसक्रीम स्मूदीज मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर होम मेड. तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंड मैंने जो कपड़ा पहना था मैं वो ही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाके ड्रेस चेंज करने का मन नहीं कर रहा है. कोकोनट आइसक्रीम, मैं ऐसे कभी भी आइसक्रीम नहीं खाती हूँ पर मुझे कोकोनट आइसक्रीम, मुझे लगा चलो लेट मी टेस्ट, बहुत ही अच्छा है. एंड राय ने लिया है केक, केक बैटर आइसक्रीम. कहाँ है भाई? हियर. एंड मेरे हबी ये सब कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फिश खाते हैं. तो वो उनको स्वीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो विथ दिस आई विल एंड टूडेज वीडियो. आई होप सो आप सबको मेरा संडे का जो स्पेशल ब्रेकफास्ट एंड लंच रूटीन है वो पसंद आया है. एंड ज़रूर कमेंट पे लिखना कि व्हाट आर द थिंग्स यू डिड दिस संडे. हम लोग का तो बहुत ही लेजी संडे था, अभी घर में जाएंगे एंड देन मुझे संडे तो आई हैव टू आयरन, तो मैं वो करूँगी एंड उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी. सो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देखना. एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय.